ठीक है गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है डे लाइट सिस्टम। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्रिएट करते हैं प्लेन, क्रिएट अ प्लेन। ठीक है, मूव टूल। ओके, चलते हैं पे क्रिएट लाइट एंड डे लाइट सिस्टम। ठीक है, डे लाइट सिस्टम पे जब आप ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, लाइक यू आर क्रिएटिंग अ डे लाइट सिस्टम। ठीक है, आपको यहाँ पे यस करना है, जस्ट लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग। ठीक है, देन राइट क्लिक ताकि दूसरी लाइट ना लगे। ओके, जब हम लोग डे लाइट लगाएंगे, डे लाइट के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल से हम लोग रेंडर करके देखते हैं क्या इम्पैक्ट आता है। बेसिक इम्पैक्ट देखिएगा यहाँ पे। सपोज मैं एक टी पॉट क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे, क्रिएट अ टी पॉट। ठीक है, शिफ्ट एफ सेव फ्रेम। ठीक है, और देन शिफ्ट क्यू, शॉर्टकट रेंडर है आपका। ओके, शॉर्टकट है आपका रेंडर का। ऑप्शंस आपके यहाँ पे क्लियर होंगे। यहाँ पर हम लोग देखें, यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों को मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करना चाहूँगा। यहाँ पे जब लोग रेंडर करते हैं, हमें यहाँ पे बीच में कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं, लाइक यहाँ पे कुछ पार्ट दिख रहा है कि पीछे वाला पार्ट विजुअल है, प्लेन यहाँ पे विजुअल है। इसको भी ठीक किया जा सकता है। रेंडर सेटअप में चलते हैं। यहाँ पे फोर्स टू साइडेड है। ओके, फोर्स टू साइडेड, आप उस ऑप्शन को ऑन करेंगे तो जो पहला आपको दिख रहा था वैसा नहीं दिखेगा। ओके, सेकेंड वन, लाइक डे लाइट है, डे लाइट में क्या करना है मुझे, सेलेक्ट करते हैं डे लाइट को, गो टू मॉडिफाई, किसी भी चीज़ को मॉडिफाई करने के लिए लाइक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो, देन मॉडिफाई में जाओ। सनलाइट है, सनलाइट में यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको यूज़ करना है एम आर सन। ठीक है, स्काईलाइट में आपको यूज़ करना है एम आर स्काई। ठीक है, जैसे आप एम आर स्काई यूज करोगे यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, यू आर क्रिएटिंग एम आर स्काई, आपको यस करना है। रेंडर सेटअप में एक चीज कंफर्म कर लेना, कॉमन के अंदर राइट क्लिक असाइन रेंडर, यहाँ पे मेंटले होना चाहिए। अगर आपका मेंटले नहीं होगा तो ये ऑप्शन वर्क नहीं करेगा। ओके, तो आप देखो कि नीचे ग्राउंड, पीछे आपका स्काई, आपको विजुअल है यहाँ पे। ठीक है, मैं थोड़ा सा और डिफरेंट वे में काम करते हैं यहाँ पे, सेलेक्ट टी पॉट एंड जेड। ठीक है, कंट्रोल सी फॉर कैमरा, तो आपको पीछे स्काई दिखेगा यहाँ पे, नीचे आपको बेस दिख रहा है, यहाँ पे ग्राउंड दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, और बेटर वे में अगर हमें काम करना तो सेलेक्ट करते हैं हम लोग प्लेन को, देन आर फॉर स्केल, मैं स्केल कर लेता हूँ यहाँ पे। ग्राउंड लेवल से मैच हो जाएगा वहां पर। सपोज हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो प्लेन है उसे वाटर बना दें। ठीक है, यहाँ पे एक मटेरियल है, मटेरियल एडिटर। ओके, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वे है, लाइक कई लोग इसे समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है। आई वॉन्ट कि आप यहाँ पे स्लेट मटेरियल की जगह कॉम्पैक्ट मटेरियल यूज करो। ईजी है, सिलेक्ट किया एक मटेरियल को, यहाँ पे बगल में स्टैंडर्ड का एक ऑप्शन है, आपका यहाँ स्टैंडर्ड पे क्लिक करो। यहाँ पर दोनों एक ऑटोडेस्क वाटर होगा, यहाँ पे ऑटोडेस्क वाटर, जस्ट क्लिक करो। किसी भी प्लेन पे असाइन करने के लिए लाइक यही कलर मुझे असाइन करना है, प्लेन को सिलेक्ट करना है। यहाँ से थर्ड बटन 1 2 3, असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन। ठीक है, विजुअल हो गया। कई बार चीज़ें विजुअल नहीं होते तो हम लोग यहाँ पे फोर्थ बटन भी यूज़ करते हैं, सो सीडी मटेरियल इन व्यूपोर्ट। ओके, देन अगर मैं रेंडर करता हूँ यहाँ पे, एक अच्छा सा सीन बन के आ जाएगा। ओके, अब जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अगर हमारे टी पॉट है, टी पॉट में हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले, जो टी पॉट है इस टी पॉट का थोड़ा सा स्टेट नहीं रखेंगे, लाइक पानी के अंदर कभी कोई चीज़ ऐसा स्टेट नहीं होता। ठीक है, तो थोड़ा सा देखने के लिए ऐसा कुछ पार्ट हम लोग ऐड ऑन कर सकते हैं, लाइक टी पॉट हो सकता है, और सपोज ठीक है कुछ ऐसे शेप्स हो सकते हैं जो थोड़ा सा देखने के लिए सही लगे। यहाँ पे अलग अलग चीज़ों का आप मैनेज कर सकते हो, आप यहाँ पे शेप्स अलग अलग चीज़ों का मैनेज कर दो। ठीक है, सपोज एक सिलेंडर हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। पे रोटेशन रेडियस कम कर दिया मैंने, हाइट इंक्रीज कर दिया। ये अगर आप देखोगे एक्सिस कैसे, ये आपका नॉर्मल एक्सिस है लाइक व्यू,
मैं यहाँ पे लोकल कर दूंगा यहाँ पे, तो लोकल में जैसा मैंने रोटेशन दिया वैसे ये काम करना स्टार्ट कर रहा है। ओके देन आप यहाँ पे रेंडर करके देख सकते हो आप यहाँ पे, जैसे हम लोग यहाँ पे रेंडर पे देख पा रहे हैं, कुछ लोग की डिमांड आती है कि हमें बैकग्राउंड पे भी देखना है, तो डू वन थिंग, ठीक है, व्यूपोर्ट को मैं मैक्सिमाइज करता हूँ, ऑल्ट डब्लू, ठीक है, एक ऑप्शन है ऑल्ट बी, ऑल्ट बी मतलब बैकग्राउंड, ठीक है, यहाँ पे आप चाहते हो इन्वायरमेंट को देखना, यूज बैकग्राउंड है ना, यूज इन्वायरमेंट बैकग्राउंड, जस्ट इस ऑप्शन पे क्लिक करो, देन ओके करो आप यहाँ पे, तो आप ऑप्शन भी देख पाओगे, काफी अच्छी चीजों को सिमिलर वे में समझ पाओगे, काफी स्काई आपको दिख जाएगा, वाटर की जितनी कैपेबिलिटी है वो उतना दिखा पा रहा है, बाकी आपको चीजें कुछ ऐसे ही दिखेंगे, ठीक है। ओके इसके अंदर सन भी है, जैसे लाइट है, इस लाइट को मैं मूव करना चाहूँ तो मूव नहीं होगा, इसे मूव करने के लिए कुछ ऑप्शन है यहाँ पे, लाइक यहाँ पे आपको एक ऑप्शन यूज करना पड़ेगा मैनुअल, मैनुअल आपने मूव किया और देन आप इसे कैमरे के अपोजिट में लेके आओगे तो आपको यहाँ पे सन भी दिखेगा। ओके जिस एंगल में आप दिखाना चाहते हो उस एंगल में आप देख सकते हो आप यहाँ पे, तो ऐसे करके आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो कि ठीक है सनसेट बनाना है, सनराइज बनाना है। ओके एज यू विश, एक हमारे पास ये रेंडर, ये अभी पहले वाला रेंडर था जिस मैंने क्लोन कर दिया यहाँ पे, अब के रेंडर को हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं, जस्ट क्लिक रेंडर, तो आपके पास कुछ डिफरेंट टाइप के ऑप्शन भी आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है इसमें हम लोग देख सकते हैं लाइक सनराइज और सनसेट का कोई भी सीन आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो, आप यहाँ पे ऐसे कई ऑप्शन है, जस्ट जैसे हमारा सन है, सन को जैसे हम लोग डायरेक्शन देते हैं कि लाइक ईस्ट से अप होगा, ठीक है वेस्ट में, अगर वो डाउन होता है देन वैसे हम लोग चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। ओके गाइस ये बेसिक है, आगे एडवांस हम लोग आगे की क्लासेस में करेंगे, थैंक यू।